जिंदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढायका। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। There is no love sincere than love of food. Well, let's believe it for the time being. You know why? क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं ली मेरिडियन में, यहाँ के एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि वो खाना बनाते हैं बिल्कुल पैशन के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारे फूड कॉर्नर की तरफ और देखते हैं आज हमारे मास्टर शेफ किस तैयारी में है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। Hello viewers, welcome to वाह क्या टेस्ट है। By the way, where is my anchor today? Here I am, DK. Welcome, Shraddha. Thank you, DK. Generally, you will receive me at the show. Yes. But today, I'm here to welcome you. I am so overwhelmed, DK. You know what this shows? कि सिर्फ हमारी व्यूअर्स और मैं ही एक्साइटेड नहीं होते हैं आपसे सीखने के लिए, बल्कि आप भी एवर रेडी होते हैं हमें सिखाने के लिए। आज क्या बात है, यू आर लुकिंग लिटिल प्री ऑक्यूपाइड, क्या बात है? एक्चुअली आज मैं बहुत बिजी थी, मैं कुछ वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ रही थी। तो आपको पता है मैं क्या पढ़ के आई हूँ कि इंडिया में खाने को तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है सात्विक, जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स एंड जूसेस इंक्लूड होते हैं। दूसरा होता है राजसिक, जिसमें ऑयली और स्पाइसी फूड इंक्लूड होता है। और तीसरा होता है तामसिक, जिसमें मीट और लिकर इंक्लूड होता है। वेल डन, वेल वेल, थैंक यू शेफ। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, कौन सी कैटेगरी, सात्विक, राजसिक या तामसिक? आज की जो रेसिपी है वो है सात्विक। वाओ, सात्विक में क्या? कुम गलौटी। वेरी नाइस, कुम गलौटी। जो गलौटी कबाब है, इट्स फेमस कबाब फ्रॉम द सिटी ऑफ लखनऊ, इट्स अ डेलिकेसी। ये जनरली मटन का बनता है जी, तो इट्स अ ग्रेट एप सब्स्टिट्यूट कुम गलौटी फॉर वेजिटेरियंस। यस, वेरी नाइस। तो आई एम श्योर व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड है और जल्दी से स्टार्ट करना चाहते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। कुम गलौटी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है पड़ती है वो है कुम, मशरूम जिसे बोलते हैं, वाल पोटैटोज, पनीर, येलो मिर्ची पाउडर, इलायची जावित्री पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, केवड़ा, गर्म मसाला, सिनेमन स्टिक, दालचीनी पाउडर, रोस्टेड चला पाउडर, देसी घी, क्लोव्स, लौंग, सॉल्ट and little bit of oil. It's a very interesting recipe, mm-hmm. Shraddha. Jee. Very simple though, very simple. There are three steps involved in this. Sabse pehle, now these are the mushroom, you know, ye mushroom, jo khum, butter mushroom bhi jise bolte hai, isko humne pehle boil kar liya hua hai. Jee. मैं तभी आपसे पूछना चाह रही थी कि ये कलर में कुछ डिफरेंट लग रहे हैं। एक समय के अभाव के कारण मैंने इसको पहले बॉयल करके रखा हुआ है, वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके, इसको सबसे पहले विल मेक ए काइंड ऑफ विल चॉप इट इन ब्लेंडर। ओके, तो ब्लेंडर में चॉप करने वाले फूड प्रोसेस में। ओके, बहुत ही थिक पेस्ट टाइप्स बन गया है इसका। इसमें बॉयल्ड ग्रेटेड पोटैटो, इसको पोटैटो को बॉयल करके हमने ग्रेट किया है। पनीर about 25 to 30 grams, yellow chili powder, I put about half teaspoon, you can adjust it, agar aapko teekhi mirchi chahiye to aur jyada dal sakte hain, touch of ilachi jivitri powder, khushbu lane ke liye, ginger garlic paste, ye kevra, log isme जस्ट वन आर टू ड्रॉप्स गरम मसाला, अ टच ऑफ सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर, तीन टेबल स्पून रोस्टेड चना पाउडर, इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें मशरूम की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए,
कंपैरेटिवली? देखो, जो पोटैटो मैंने ऑर्डर किया है वो है बाइंडिंग के लिए, स्टार्च है. पनीर जो ऐड किया है दैट्स फॉर सॉफ्टनेस, टू मेक इट अ लिटिल सॉफ्ट. या बिकॉज पनीर हैज फैट, यू सी. या जैसे मैंने पहले बोला, इट्स ए ग्रेट डेलिकेसी फॉर वेजिटेरियन, क्योंकि हमेशा मिथ ये रही है कि जो गलौटी कबाब है दैट्स मेड विद लैम्ब. ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली इट्स मेड विद लैम्ब, बट वी आर मेकिंग इट विद मशरूम टू प्लीज आवर दोज व्यूअर्स हु आर सात्विक. यस, यू आर सात्विक, वेरी ट्रू. ओके, नाउ पहला स्टेप ये हो गया. दूसरा स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको स्मोक देना. ओके, जिसको बोलते हैं हिंदी में धुआं देना, किसी चीज को स्मोकी फ्लेवर देना. जी बिल्कुल, राइट. सो ये टेक्निक मैं अपने व्यूअर्स को दिखाने जा रहा हूँ. और ये जो टेक्निक है आप लैम्ब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी और में भी. इट्स अ टेक्निक हाउ टू गिव स्मोकी फ्लेवर टू एनी मीट आर चिकन आर फिश आर वेजिटेबल. भाई आप भूलना नहीं, ये टेक्निक आप टेक आउट योर पेपर एंड पेंसिल, इसको जरूर नोट करिए. इसके लिए क्या है कि उसी एक बोल में जब हमने मशरूम का मिक्सचर रखा, अब एक कटोरी में हमने चारकोल लिया, ये बिल्कुल कटोरी के अंदर चारकोल. इसमें क्या करेंगे, 3-4 पीसेस हमने क्लोव्स डाला. ओह वाओ, विल कवर इट विद द लिड और सिलो. This is a very new technique, guys. We leave it to rest for about 2-3 minutes. 2-3 minutes isko rakhenge. To wo flavor, jo smoke ka flavor hai, it'll go into the paste jo humne mushroom ka banaya. Ji. So this is added flavor, you know, ek smoky flavor you get. Ji. So this is a technique, dosto aap use kar sakte hain, chahe lamb ho, chicken ho, fish ho, mutton ho, ya anyway. किसी भी डिश में आपको स्मोकी फ्लेवर देना है तो आप डेफिनेटली इस चीज को, इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं. बहुत ही इनोवेटिव चीज है ये, शेफ, आई वुड से. ओह माय गॉड, दिस इज लवली, वाओ, दिस इज सो मच गुड टू सी. ओके, आफ्टर 2-3 मिनट्स वी रिमूव इट. अब एक मिक्सचर को अच्छी तरीके से mix it well, add salt, अच्छी तरह mix किया. Yeah, we can use a little with your hand, mix it well. अगर आप समझे कि इसमें moisture ज़्यादा है, अगर तो you can always add थोड़ा roasted चना powder. Roasted चना powder से थोड़ी binding भी आ जाती है और taste भी आ जाता है. Very easy to make roasted chana le lo, dal le lo, ek hi baat. Okay, we put it on a surface. Ji. Haan ji. This is very interesting to learn. Isko with the help of your palm, isko achhi tarike se mix karna. Yes, so that sare ingredients they get well mixed. Ye wo kebab hai jo hamare मुगल एरा के टाइम पे जो हमारे नवाब खाया करते थे. इट्स ए ग्रेट डेलिकेसी, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट जो हमारा मशरूम गलौटी है वो रेयरली टू बी फाउंड. ओके, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड देम इनटू इक्वल पीसेस. यू सी देयर आर जस्ट यू मेक ए काइंड ऑफ राउंड बॉल एंड press it between your palms and roll it. Oh wow, roll it like a wheel. Aapko malum hai ki maine 365 kebabs ki research ki hai. Oh my god, to ye jo recipe hai ye meri किताब से एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है. जिस बुक का नाम है जस्ट कबाब्स, वेयर हैविंग 365 कबाब्स एंड वन कबाब फॉर लीप ईयर. सो दिस रेसिपी
is from my book called Just Kebabs, you see. Wow. All right. Hamare kebabs taiyar ho gaye. Isko we will keep for some time, for about 10-15 minutes into refrigerator. Okay. And then meanwhile, हम अपनी तैयारी करेंगे इसको कुक करने की. ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन ए प्लेट सो दैट दे डोंट स्टिक. वी कीप दिस इट योर रेफ्रिजरेटर फॉर अ फ्यू मिनट्स कि थोड़े सेट हो जाए. कितनी देर में हम तैयारी करेंगे इसको फ्राई करने की. जी तो ये आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे रख के आती हूँ रेफ्रिजरेटर में. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है. श्रद्धा, can I request you to bring those refrigerated kebab? जी शेफ, 10 से 15 मिनट जैसे आपने कहा था ये हम रख के ले आए हैं. Thank you very much. इसको अपने नॉनस्टिक पैन लिया. We heat up little देसी घी. अगर आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, पर जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है जो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप देसी घी इस्तेमाल करें, क्योंकि देसी घी का अपना टेस्ट है. इसको धीमी आंच पे जो ट्रेडिशनल इसकी कुकिंग है ना, एक यू नो देख पे कुक करते हैं. दिस इज अ देग व्हिच इज मेड ऑफ ब्रास. मैं दर्शकों को नॉन स्टिक पैन, क्योंकि डोमेस्टिक के यूज के लिए आई वुड सजेस्ट जस्ट यूज ए नॉन स्टिक पैन. दैट्स शेफ के बनाते बनाते ये शैलो फ्राई करते करते टूट भी सकते हैं. वेल दैट्स एन आर्ट नो. या होनी नहीं चाहिए, लाइक वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट नो. वेज कबाब्स वेरी रेयरली आई लाइक टू ईट, बट ये मुझे इतनी अच्छी खुशबू दे रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं वहीं से उठा के खा लूँ. इसकी धीमी आंच इसलिए मैंने बोली है कि इफ यू क्या होगा कि हालांकि मशरूम्स आर ऑलरेडी बॉयल, ज़्यादा टाइम नहीं इसके लिए चाहिए, पर स्टिल कहते हैं कि हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर ऑन बोथ द साइड और हाई पे बहुत जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे. सी द गोल्डन कलर, एक एक करके विल रिमूव इट, जो जो कलर होते जाते हैं. सेकेंड वन. और एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है श्रद्धा, कि आप किसी के आगे ये कबाब रख दो बिना बताए कि ही विल नॉट बी एबल टू मेक आउट कि कबाब नॉन वेज या वेजिटेरियन है. ओह वाओ, दे आर सो डिलीशियस. सो कबाब्स आर फ्राइड. नाउ जो हमारी शो की खासियत है जी, प्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी डिश विद अ मॉडर्न टच. यस, इसको प्रेजेंटेशन करेंगे इस कबाब की, जिसके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये कबाब गोज वेल विद जनरली उल्टे तवे का परांठा. कभी समय मिला तो आने वाले एपिसोड में ये रेसिपी बताएंगे. समय के अभाव के कारण मैंने इसको पहले बना के रखा है. पीटी के प्लेटर प्लेस इन द सेंटर. बहुत ही डिफरेंट तरीका है प्रेजेंटेशन का. सो सॉफ्ट जैसी. यस, तो इसे बहुत प्यार से उठाना पड़ेगा कि ये टूट ना जाए. ओह वाओ, इसको जो हमने उल्टे परोठे के क्वाइंस टाइप बनाया है जी, दैट चटनी, दैट्स पुदीना और धनिया की चटनी. जनरली यू हैव इट एट होम, नॉर्मल चटनी. हल्के मैंने क्या है कि प्याज को इन दीज आर अनियन रिंग्स, जिसको मैंने लेमन जूस, रेड चिली, हल्का सा सॉल्ट डाल के इसको टॉस किया हुआ है. जस्ट ऐड ऑन द प्लेस इट ऑन द साइड. व्यूज आप सीख लीजिए, बहुत ही इजी तरीका है, आप देख सकते हैं और कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है. राइट, इसको और थोड़ा अपग्रेड करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज ये थोड़ा लच्छा बनाया. दीज आर कैरेट्स, जस्ट टू एनहांस दिस प्रेजेंटेशन. वाओ, दिस इज लुकिंग सो नाइस. सो
सखुम गलौटी तैयार है। यस शेफ, और आप जानते हैं ये मेरी फेवरेट सेगमेंट है, जब आप सारी रेसिपीज, जो भी रेसिपी आज दिन बनाते हैं और मुझे सौंप देते हैं। लाइए शेफ। वाओ, दिस इज लुकिंग सो यमी, सो कलरफुल, दिस इज रियली इनवाइटिंग शेफ, सो लेट्स स्टार्ट। Get that flavor of those condiments that I've used. Very right, chef. This is really delicious. Trust me, guys. This is very tasty. Very tasty. So, मैं तो इंतजार नहीं कर सकती. मैं जब तक ये सारा खत्म करती हूँ, आप जल्दी से जाइए और एक quick recap लेके आइए. खुम गलौटी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए उबले हुए मशरूम्स. अब मशरूम को मिक्सर में डालकर पीस लें. अब एक बाउल में पिसे हुए मशरूम के साथ उबले हुए आलू, ग्रेटेड पनीर, येलो चिली पाउडर, मेस एंड नटमेग पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, केवड़ा वाटर, मिक्स स्पाइस, रोस्टेड चना पाउडर मिलाएं। स्मोक फ्लेवर देने के लिए बर्निंग चारकोल लेकर मिक्सचर के बीच में रखिए। अब कोल के बीच में लौंग और देसी घी डालकर मिक्सचर को 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दे। अब मिक्सचर को हाथ से अच्छे से गूंद ले और 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाइए उसके कबाब। बनाए हुए कबाब्स को 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। अब एक नॉनस्टिक पैन में देसी घी गरम करके कबाब को धीमी आंच पर सुनहरा रंग आने तक पकाएं। खुम गलौटी तैयार है, परोसिए गर्मा गर्म पुदीने की चटनी के साथ। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स देते हैं। तो आज भी वैसे ही हमारे एक्सपर्ट शेफ आपसे कोई टिप शेयर करना चाहते हैं, क्यों शेफ? एब्सोल्युटली, जो आज का टिप है वो रिलेटेड टू आवर कबाब डिश है कि मशरूम को बेस्ट तरीके वॉश करने का, कि उसके ऊपर आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करके उसको रब इट वेल और रिंस थ्रू रनिंग वाटर। इससे क्या कि जो ब्लैक स्पॉट्स है निकल जाते हैं, और उसके बाद आप इसको पैट ट्राई कर सकते हैं। यूज इट टू योर चॉइस। मैं डेफिनेटली अपने घर पे जाते ही आज ही ट्राई करने वाली हूँ। तो अब वक्त आ चुका है मेरे टेबल पे जाके इसे खाने का, तो चलते हैं टेबल पे। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं टेबल पे, हमारी तो चिट चैटिंग चल रही है, बिकॉज ये हम सबकी फेवरेट सेगमेंट है, जहाँ पे हम टेबल पे बैठते हैं और हमें वही चीज खाने को दी जाती है जो हमने बनाई होती है, क्यों शेफ? तो हो जाए फिर, क्यों देरी? बिल्कुल सर, हम आपको खिलाने जा रहे हैं खुम गलौटी। गलौटी जनरली इट्स ऑलवेज नॉन वेजिटेरियन इन मिथ एज वेल, इट इज, यू सी, सो इट्स अ फेमस कबाब फ्रॉम लखनऊ, यू नो। गलौटी मीन गिलावट के कबाब, कबाब व्हिच मेल्ट्स इन योर माउथ। सो आप इसको ट्राई करिए, बताइए कैसा लगा आपको। जी हां, नाउ इट्स द टाइम टू टेस्ट, जल्दी से हम टेस्ट करते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड। व्हाट आई हैव डन इज, इसके नीचे मैंने उल्टे तवे का परांठा भी रखा है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट शेफ, इट्स लाइक मेल्टिंग इन माय माउथ। Certainly you can have it. This is so delicious. कहीं मत जाइए, किसी पार्टी में मत जाइए, घर में बनाइए, अपने गेस्ट को खिलाइए, वो बहुत खुश होने वाले हैं और खा के क्या कहने वाले हैं? वाह क्या टेस्ट है। तो चलिए, जब तक हम ये खत्म करते हैं, आप जल्दी से जाइए और देखिए कि आज दादी माँ की रेसिपी में क्या है खास। वाह क्या टेस्ट है, हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। कैसे हो दोस्तों, वाह क्या टेस्ट है के सेकंड सेगमेंट में आपका स्वागत है। जब आज मैं घर से निकल रहा था तो मैंने देखा दादी माँ बहुत ही उदास बैठी हुई थी, तो मैंने पूछ लिया, दादी माँ ऐसा क्या हो गया? तो दादी माँ, मैंने जवाब दिया
कि आज मेरा सब्जी के साथ रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। पहले क्या हुआ करता था कि बुजुर्ग लोगों को चटनियाँ बहुत पसंद थी। चलिए तो बनाते हैं एक ऐसी चटनी जिसके बारे में आपने खाली सुना ही होगा, कभी टेस्ट नहीं किया होगा। तो आज इंट्रोड्यूस करते हैं हम अंगूर की चटनी। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। अंगूर की चटनी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है चॉप अंगूर, भुना हुआ जीरा, रॉक सॉल्ट जिसको आप काला नमक भी कहते हैं, और चीनी। तो सबसे पहले हम लोग एक पैन लेंगे। उसमें चॉप अंगूर डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर ब्लैक ग्रेप्स ही क्यों यूज़ किया है, करने को आप ग्रीन भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक का जो अपना एक कलर होता है जब वो पकने के बाद रेडिश रेडिश कलर बिल्कुल देता है। इसको स्टर करेंगे, साथ में इसके थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। अब आपके मन में क्वेश्चन तो बहुत आ रहा होगा कि भुना हुआ ही जीरा क्यों, कच्चा जीरा क्यों नहीं। भुने हुए जीरे का भी एक अपना ही टेस्ट होता है, क्यों दादी माँ? जब आप बचपन में हमें भुने हुए जीरे की लस्सी पिलाया करती थी, याद है? बिल्कुल। साथ में डालेंगे थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, स्टिर करेंगे। अब अंगूर के बारे में बात करी जाए तो अंगूर जो है आप ग्रीन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, और पर्पल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रेप्स है उसके सीड्स निकाल लीजिए और उसके बाद उसको चॉप कर लीजिए। सारी सीजनिंग मैंने डाल दी है, साथ में लास्ट में इसके अंदर थोड़ा सा चीनी। अंगूर मीठे तो होते ही हैं, लेकिन जब उसके अंदर ये सब चीज़ें पड़ जाती है कि काला नमक, रॉक सॉल्ट, और जब उसको पकाया जाता है तो उसकी स्वीटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा सा चीनी इसके अंदर यूज़ करते हैं। इसको कवर कर देंगे और इसको छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए, जिससे इसका थिकनेस थोड़ी सी मतलब गाढ़ी हो जाए जैसे कहेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि इसके अंदर इसकी मतलब परफेक्ट कुकिंग हो चुकी है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, ये रेडी हो चुका है और इसको टेस्ट कर लेंगे कि टेस्ट बिल्कुल, जी हाँ दादी माँ आपकी चटनी तैयार है। अब तो आप खुश हैं ना, दादी भी हंस पड़ी हैं और कहने लग गई हैं कि हाँ मैं अब खुश हूँ। चलिए इसको सर्व करते हैं दादी माँ के लिए। दादी माँ के मुंह में पानी आ रहा है, वो भी कह रही है कि बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में चटनी। आज तो मैं पेट भर के रोटियां खाऊंगी इसके साथ। तो तैयार है हमारी अंगूर की चटनी, इसको टेस्ट करके आप जरूर बोलेंगे वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। अंगूर की चटनी बनाने के लिए एक पैन में लीजिए अंगूर और धीमी आंच पर भुना जीरा, काला नमक और चीनी के साथ पकाएं। मिक्सचर के रिड्यूस होने के बाद इसे रेफ्रिजरेट करें। इसी के साथ अंगूर की चटनी तैयार है। तो दोस्तों आज की रेसिपीज देखकर आई एम श्योर आपके मुंह में पानी आ ही गया होगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए किचन में और स्टार्ट हो जाइए। दोस्तों ये आपका शो है, ये खास आप ही के लिए लाया गया है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं कि हमारे शेफ आपकी कोई पसंदीदा डिश बनाएं, तो आप हमें मेल करिए। हम हमारे मास्टर शेफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अगले एपिसोड में आपकी की डिश जरूर आपको सिखाएं। हमारा मेल एड्रेस है wahkyataste@gmail.com। तो दोस्तों चलिए अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग डीडी नेशनल। नमस्कार। वाह क्या टेस्ट है।